गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 8A स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। आपको अब पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि गुणा और भिन्न का भाग कैसे बनता है। इस टाइप के इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर है कॉपी एंड मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का ए 6/10 इंटू 5/12, तो आप 6/10 इंटू 5/12 लिख लीजिए। मैं देख रहा हूं कि 6 का टेबल में 12 टू टर्म्स यानी टू दो बार में है, टू टाइम्स, और 5 का टेबल में 10 टू टाइम्स यानी दो बार में है। ऊपर में आपका कुछ नहीं है तो 1 और 1 जरूर है, तो 1 इंटू 1 1 होगा, और नीचे में 2 टू जा 4 होगा। ये आपका सॉल्यूशन है। इसी तरह इसका हम लोग डी नंबर देखें। डी नंबर है आपका 5/18 इंटू 54/45। 5/18 इंटू 54/45 देख रहे हैं, तो 5 का टेबल में 9 बार में है 45, और 18 का टेबल में 3 बार में है, और 3 से यह 9 3 बार में चला गया। ऊपर में आपका कुछ नहीं हुआ तो 1 है, और नीचे में आपका 3 है। इस प्रकार आपका 1/3 हुआ। 5 9 जा 45, और 18 3 जा 54, 3 9 3 3 जा 9, 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखे हम लोग। 4/10 इंटू 2/6 इंटू 25/16 देख रहे हैं। 4/10 इंटू 2/6 इंटू 25/16 है आपका। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि या तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटाएंगे यानी तिरछा तिरछा करके। तो 4/10 इंटू 2/6 इंटू 25/16। मैं देख रहा हूं कि 2 के टेबल में ये 10 5 बार में है, और ये 5 के टेबल में 25 5 बार में है, और 4 के टेबल में ये 16 4 बार में है। ऊपर में आपका 5 है, 1 और 1 बच गया, तो 1 1 1 ही होता है। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। नीचे में आपका बच गया 6 और 4, 6 4 जा 24, 5/24 क्या हो गया आपका, ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग 3 का एच नंबर देखें। 3 का एच क्या कह रहा है। 12/1/2 इंटू 3/1/5। 12/1/3 इंटू 3/1/5। तो ये 12 2 जा 24, और 24 में 1 प्लस करेंगे 25/2 इंटू 3 5 जा 15, 15 में 1 प्लस करेंगे 16/5। मैं देख रहा हूं 2 से ये 16 8 बार में जाएगा, और 5 से 25 5 बार में जाएगा। 5 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या 40 लिख देंगे।
देख रहे हैं, नेक्स्ट है और भी नहीं, लास्ट आपका क्वेश्चन यही था। फोर नंबर भी क्वेश्चन है, हम लोग फोर नंबर में भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि फोर नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। आप फोर का ए देखिए, वन होल एट अपॉन सेवेंटीन इंटू फोर होल फोर अपॉन फाइव इंटू सिक्स होल थ्री अपॉन एट, वन होल एट अपॉन सेवेंटीन इंटू फोर होल फोर अपॉन फाइव इंटू सिक्स होल थ्री अपॉन एट। वन से सेवनटीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवनटीन, और सेवनटीन में एट प्लस कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवनटीन इंटू फोर फाइव या ट्वेंटी, और ट्वेंटी में फोर प्लस करेंगे ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव इंटू सिक्स एट या फोर्टी एट, और फोर्टी एट में थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी वन अपॉन फाइव, सिक्स एट या फोर्टी एट, फोर्टी एट में थ्री प्लस करेंगे फिफ्टी वन अपॉन एट। मैं देख रहा हूं कि सेवनटीन का टेबल में ये फिफ्टी वन वन थ्री बार में है, सेवनटीन का टेबल में फिफ्टी वन थ्री बार में है, और ये फाइव का टेबल में ट्वेंटी फाइव फाइव बार में है, और एट के टेबल में ट्वेंटी फोर थ्री बार में है। फाइव में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन, फिफ्टीन में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी फाइव। इस प्रकार फोर का ए आपका क्या हो गया, फोर्टी फाइव हो गया। और भी इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी है, आप वन बाय वन करके बनाते जाएंगे। चलिए इसमें का और भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व मैं कर दे रहा हूं। सी नंबर देखिए, टू होल वन ऑफ वन थ्री इंटू, यहां पर थ्री नहीं है आपका टू है, और थ्री होल टू अपॉन थ्री आई इंटू सिक्स अपॉन इलेवन, टू होल वन अपॉन टू इंटू थ्री होल टू अपॉन थ्री इंटू सिक्स होल सिक्स अपॉन इलेवन। मैं देख रहा हूं टू थ्री जा टू टू जा फोर, और फोर वन फाइव, टू टू जा फोर वन फाइव अपॉन टू इंटू थ्री थ्री जा नाइन, नाइन में टू प्लस करेंगे इलेवन अपॉन थ्री आई इंटू सिक्स अपॉन इलेवन। मैं देख रहा हूं कि ये थ्री से सिक्स टू बार में आपका जाएगा, और टू से ये टू वन बार में, और इलेवन से इलेवन वन बार में, फाइव में वन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव, और यही आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। बाय में वन है तो वन लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर फाइव ही होगा। और भी जो क्वेश्चन बचा है वो आप घर पर अच्छी तरह से बैठ करके बनाइएगा, एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। थैंक यू।